हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट में। और फ्रेंड, आज की वीडियोस में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे अपने टॉप वैल्यूएबल कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, जिसे कि हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा जो एडमिशन्स होते हैं वो इसी कोर्स के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स है हमारा ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस। यस फ्रेंड्स, मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन कंप्यूटर्स ADCA। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में एक ऐसा कोर्स जिसे कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के द्वारा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम्स का स्टूडेंट्स हो। ADCA कोर्स को काफ़ी पसंद करते हैं हर स्टूडेंट, चाहे वो 10th के बाद हो या 11th और 12th के बाद कोर्स को करना हो। तो ADCA एक ऐसा कोर्स है जिसे सबसे ज़्यादा चूज किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। Why ADCA is most popular in computers? Computers courses में ADCA कोर्स सबसे ज़्यादा popular क्यों है और क्यों students इस कोर्स को इतना पसंद करते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आज की videos में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ADCA एक ऐसा कोर्स है जिसे कि हर category का student, चाहे कोई arts से आया हो, चाहे वो science का students हो, चाहे वो commerce backgrounds का students हो, mature students हो जो कि काफ़ी late computers में आ रहा है और computer को courses को करना चाहता है, तो ADCA एक ऐसा कोर्स है जो कि हर किसी को शूट करता है, क्योंकि इसमें इस टाइप की एप्लीकेशंस है जो कि हर स्टूडेंट्स को शूट करती है और आसानी से हर कोई स्टूडेंट्स इन एप्लीकेशंस को सीखने के बाद कंप्यूटर्स में अपने लिए आगे कुछ जॉब की तलाश आसानी से कर सकते हैं। और इस कोर्स का जो सर्टिफिकेशंस है वो भी काफ़ी वैल्यूएबल है कि आगे किसी भी कंपनीज़ में जॉब्स के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इसकी सर्टिफिकेशन पूरी तरीके से वैलिड होती है। इसीलिए ये कोर्स कंप्यूटर्स का एक मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स भी है, जिसे कि हर कैटेगरी का स्टूडेंट्स इस कोर्स को करता है। यस फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ADCA कोर्स कंटेंट्स के बारे में कि ADCA कोर्स में ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स इस कोर्स को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने डॉटनेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो हम अपने डॉटनेट इंस्टीट्यूट्स में ADCA कोर्स को 15 मंथ में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कि अगर स्टूडेंट्स 1 आवर क्लासेस पर डे अगर हमारे सेंटर्स में लेते हैं तो विद इन 15 मंथ्स का टाइमिंग हम इस कोर्स को कंप्लीट करने में लेते हैं। और अगर स्टूडेंट्स 2 आवर क्लासेस पर डे के रूप में ले रहा है तो हम इसे 7th मंथ में इस कोर्स को स्टूडेंट्स को कम्प्लीट करके देते हैं, जिसके अंदर कि हम 3 सेमेस्टर्स को कवर करते हैं। सेमेस्टर 1 में हम स्टूडेंट्स को बेसिक से स्टार्ट कराते हैं, जहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फंडामेंटल्स, कीबोर्ड फिंगरिंग, विंडोज 7, 8, 10 और साथ साथ में हाउ टू यूज USB पेन ड्राइव्स और DVD CDs, जो कि एक कम्प्लीटली बेसिक पैटर्न है, वो सभी हम कवर अप कराते हैं। साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें कवर होता है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और MS एक्सेस भी इस कोर्स में अवेलेबल है। और साथ साथ ही 3rd मॉड्यूल्स में जब हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 का, तो इसमें हम वेब लिंक्स, जहाँ पे कि बेसिक HTMLs और इंटरनेट्स और ईमेल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से सेमेस्टर 1 में एक बेसिक पार्ट जो है कि कवर पूरा होता है, जहाँ पे कि हर किसी को एक बेसिक कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में चाहिए होता है। तो इस कोर्स के पहले सेमेस्टर्स में ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स आसानी से सीख लेता है। अब बढ़ते हैं आगे सेमेस्टर 2 की ओर, और सेमेस्टर 2 में हम इस कोर्स के अंदर में डेस्कटॉप डिज़ाइनिंग, जी हाँ दोस्तों, DTP जिसे कहते हैं, डेस्कटॉप डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशंस कवर की जाती है, जहाँ पे कि कोरल ड्रोज, फोटोशॉप, इमेज रेडी, इन डिज़ाइन और ये सभी एप्लीकेशंस हैं जो कि DTP एक ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं कि अगर स्टूडेंट्स अपना करियर ग्राफिक की फील्ड्स में बनाना चाहता है तो इन तीनों एप्लीकेशंस को सीखने के बाद वो एक आगे अपने करियर को ग्राफिक की फील्ड्स में बढ़ा सकता है, जहाँ पे कि इमेज फॉर्मेट के साथ साथ में कम्प्लीट इमेजेस को कैसे कवर अप करना है, किस तरीके से अपना ग्राफिक फील्ड्स में करियर को सेटअप किया जाए, वो सारा इस सेमेस्टर्स के अंदर कवर होता है, जहाँ पे कि
हम प्रोफेशनल ग्राफिक वर्क्स के जो है प्रोजेक्ट वर्क भी स्टूडेंट्स को कराते हैं, ताकि स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आगे अगर जॉब्स के लिए जाता है तो आगे उसको किस टाइप की डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे वो उसे ग्राफिक प्रोजेक्ट हैंडल करने हैं, बुक्स बनाने हैं, मैगजीन्स बनानी हैं, बैनर्स बनाने हैं या फ्लैक्स बोर्ड बनाने हैं, लोगो डिज़ाइन करना है, तो ये सभी डिज़ाइनिंग हम अपने स्टूडेंट्स को अपने सेंटर्स में एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स के रूप में उनको टास्क प्रोवाइड करते हैं, जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स फुली प्रिपेयर होता है और आगे अपने करियर में अच्छी जॉब्स के लिए रेडी होता है। साथ साथ हमने तीसरे सेमेस्टर्स में या इससे तीसरा सेमेस्टर हम कहें या स्पेशल क्लासेस हम के रूप में हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसे कि हम SDP स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी हमने नाम दिया है। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम स्टूडेंट्स को या अपने खास तौर से प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को या एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आगे चल के वो जॉब इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म करें। तो इसीलिए हम अपने SDP क्लासेस में स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को इतना अच्छा बिल्ड करते हैं कि जहाँ पे हम उसे कंप्लीट जॉब ट्रेनिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट्स हम उनको बताते हैं और साथ साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशंस हम अपने सभी स्टूडेंट्स को कराते हैं, ताकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा स्टूडेंट्स किसी भी इंटरव्यूज़ के लिए अगर आगे कंपनीज में जाता है तो आसानी से वो जॉब इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सके। तो ये है दोस्तों हमारे कोर्स का, जो कि ADCA जो कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं अपने .NET इंस्टीट्यूट्स में, उसकी कंप्लीट डिटेल्स कि हम अपने ADCA कोर्स में कौन सा कंटेंट है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और क्यों हमारा ये ADCA कोर्स हमारे स्टूडेंट्स इतना पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा करियर इसमें आगे बना लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन कंप्यूटर में जो ADCA है, इस कोर्स को करने के बाद अगर स्टूडेंट्स अपने करियर को आगे बढ़ाता है तो कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स के सामने होते हैं और किन करियर ऑप्शंस के साथ में स्टूडेंट्स आगे बढ़ता है और अपने लिए करियर में जॉब्स लेता है, तो जानते हैं करियर ऑप्शंस इन ADCA कोर्स में। आफ्टर कम्प्लीशंस ऑफ ADCA कोर्स के बाद स्टूडेंट्स आगे जॉब्स में करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स वो कर सकते हैं, साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब वो कर सकते हैं और साथ साथ में ऑफिस एग्जीक्यूटिव या ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जॉब्स के लिए भी आसानी से हमारे ADCA के स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं और साथ साथ में डेटा एंट्री क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी वो आगे बढ़ सकते हैं और साथ साथ ही DTP ऑपरेटर या एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में भी स्टूडेंट्स अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ में इसमें हम बेसिक टैली या बेसिक अकाउंटिंग भी हमने अपने स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, तो एज ए टैली असिस्टेंट के रूप में भी स्टूडेंट्स अपना करियर स्टार्ट कर सकता है या एज ए अकाउंट असिस्टेंट्स के रूप में भी स्टूडेंट्स अपने करियर को स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ADCA कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और आई होप इन सभी को देखते हुए ही ADCA कोर्स इतना पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि इसमें हर तरीके का स्टूडेंट्स जो है वो अपने करियर को सेफ दे सकता है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ADCA कोर्स के बारे में और साथ साथ में ये भी हमने इसमें क्लियर किया है कि क्यों ADCA कोर्स जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में और क्यों इस कोर्स को इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या हमारे नंबर सेंटर के नंबर्स पे आप हमें कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं या अगर आप चाहते हैं ADCA में एडमिशन्स लेना तो आप हमारे सेंटर्स में आके आप एडमिशन्स ले सकते हैं, जहाँ पे कि हम अपने ADCA कोर्स की बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं और ऑप्शन आफ्टर कम्प्लीशंस ऑफ कोर्स के बाद हम जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।